वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो और जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। पहला क्वेश्चन जो दिया है वो है लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन कब टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगिन। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर खुद लिख दोगे। जो कैप्टन था उसने क्या क्या स्टेप्स लिए जब उसे अपने शिप को बचाना था रफ वेदर से, खराब कंडीशन से जब उसे बचाना था तो क्या करना था। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को तोड़ लिया है। वहां पे दो क्वेश्चन है, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखो उसने क्या किया, टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम रफ वेदर द कैप्टन टुक दीज टू स्टेप्स। देखो ये वाली लाइन पूरी की पूरी मैंने क्वेश्चन से उतारी है, टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम रफ वेदर, टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम रफ वेदर। देख लो है, ये एक लाइन आपको यहां से उतारनी है, द कैप्टन टुक दीज टू स्टेप्स। कैप्टन ने ये दो स्टेप लिए। नंबर वन, ही डिसाइडेड टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ हिज शिप। यार एक बात बताओ, जब तूफान आ रहा है तो तुम तेज चलाओगे अपना वाहन या धीरे चलाओगे? ओबियस बात है धीरे चलाओगे। तो उसने भी ये डिसाइड किया कि स्पीड जो है कम कर देते हैं। सो ही ड्रॉप द स्टॉर्म जिब। अब स्टॉर्म जिब क्या होता है, ये जो नाव है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पर्दा सा लगा हुआ है, तो वो जो स्टॉर्म जिब है उसने वो नीचे की तरफ झुका दिया, क्योंकि जब ये ऊपर की तरफ उठा रहेगा उस पर हवा लगेगी और हवा लगने से जो स्पीड है वो और ज्यादा तेज बनेगी। आपको एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाना, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला स्टेप क्या किया उसने, स्पीड कम करने के लिए जो स्टॉर्म जिब है उसको डाउन कर दिया। दूसरा स्टेप क्या किया उसने, ही डबल फास्टेंड एवरीथिंग। अब जाहिर सी बात है, जैसे तूफान आता है तो हम हर चीजों को अपने घर के दरवाजे कुंडी वगैरह बंद कर लेते हैं, धूल धड़का ना आए, कोई चीज टूटे फूटे ना। तो वो शिप में है तो जो भी चीज वो बांध सकते थे, फास्टन का मतलब है उन्होंने हर चीज को डबल डबल बांध दिया ताकि हर चीज स्ट्रॉन्ग हो, कुछ चीज गिरे ना टूटे ना। एंड वोर लाइफ जैकेट्स। लाइफ जैकेट्स क्या होती है, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई रखी है, इस तरह की जैकेट्स अगर आप पानी में गिर जाते हो तो आपको गीला होने से भी बचाती है और आपको डूबने से बचाती है बेसिकली। ठीक है, तो उन्होंने वो भी पहन ली। तो पहला स्टेप क्या लिया, जो स्टॉर्म जिब है उसको डाउन कर दिया, और दूसरे स्टेप में हर चीज को बांध दिया। और अब इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वॉटर इन द शिप। यहां चेक का मतलब चेक करना नहीं है, चेक का मतलब है रोकना, फ्लडिंग का मतलब है वो जो पानी भर के आ गया था। ठीक है, यह दिखा देता हूं मैं आपको, जब शिप के अंदर इस तरह से पानी भर गया था जैसे मैंने यहां पे दिखाया है आपको, तो उस पानी को रोकने के लिए उसने क्या किया। इसका आंसर बताने से पहले चिल्ड्रन, अगर आपने मुझे अभी तक टेलीग्राम पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, इंग्लिश बाबा 123, और लिंक मैं वहां पर दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन। तो देखो उसने दो काम किए, द कैप्टन टुक फॉलोइंग टू स्टेप्स, दो स्टेप लिए उसने। ये लाइन पूरी की पूरी मैंने क्वेश्चन से उतारी है। नंबर वन, ही ordered the टू crewmen। आपको पता है दो crewmen थे, एक का नाम था लैरी और दूसरा का नाम था हर्ब। ठीक है, लैरी विजिल एंड हर्ब सिजलर, उसने उन दोनों को ऑर्डर दिया कि तुम लोग क्या करो, पंप आउट करो, पी यू एम, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, पी यू एम पी, टू पंप आउट द वॉटर। भाई यहाँ ये देखो मैंने डायग्राम में तुम्हारे लिए समझाया हुआ है, ये एक शिप है, शिप के अंदर अगर पानी भर जाएगा तो वो डूब जाएगा, तो इन्होंने क्या किया पंप आउट, ये दिख रहा है पानी बाहर फेंकना शुरू किया पंप की मदद से। तो पहला काम तो ये किया, दूसरा काम क्या किया, द कैप्टन हिमसेल्फ कवर्ड द गेपिंग होल्स विद द हेल्प ऑफ वाटरप्रूफ कैनवास। आपने देखा होगा आपकी साइकिल में, आपके स्कूटर में, बाइक में पंचर हो जाता है तो पंचर में जो होल होगा उस होल को भर देते हैं हम, है ना, जो साइकिल वाले भैया होते हैं। तो ऐसे ही भाई पानी को तो बाहर निकाल रहे हैं दोनों के दोनों जो क्रू मैन है लैरी और हर्ब, लेकिन जो छेद हो गए थे उसको भर दिया किससे, एक कैनवास लगा दिया, कैनवास का मतलब वाटर प्रूफिंग, वहां पे कैनवास लगा दिया। तो ये दो काम करे। आई होप कि आपको एक एक चीज क्लियर हो रही है, इतने अच्छे से तुम्हें कोई नहीं समझाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजेस 4th and 5th January। वॉयजेस का मतलब होता है जो लोग यात्रा पे कर रहे हैं। ठीक है, जो 4 और 5 January को जो लोग, यानी कि ये पूरी फैमिली और उन लोगों की कंडीशन क्या थी।
On January 4, the voyagers felt relieved after 36 hours of continuous pumping. 36 घंटे से वो लगातार पानी को बाहर निकाल रहे थे, लेकिन अब उन्हें थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ क्योंकि अब बहुत कम पानी रह गया था. They had their first meal in almost 2 days. और पहली बार 2 दिन में उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत खाना खाया, यानी कि 2 दिन से उन्होंने कुछ खाना ही नहीं खाया था. 2 दिन बाद उन्हें कुछ खाने को मौका मिला. Their relief was short-lived. लेकिन वो जो उन्हें रिलीफ मिला, वो जो उन्हें चैन की सांस मिली, वो ज्यादा देर तक नहीं थी रुकी, वो थोड़ी देर के लिए थी. They faced dangerous situation on January 5. 5 जनवरी को भी उन्होंने डेंजरस सिचुएशन फेस की. फियर ऑफ डेथ वॉज हाई. और अब उन्हें कहीं ना कहीं यही लगने लगा, भाई साहब अब तो हमारी जिंदगी मतलब राम नाम सत्य होने वाला, अब तो हम मर सकते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क था. दे वर अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेस. और जब आप मौत अगर सामने हो तो जाहिर सी बात है स्ट्रेस हो गई, तो वो उन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस था. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द शिफ्ट्स इन द नरेशन ऑफ द इवेंट्स एज इंडिकेटेड इन 3 sections ऑफ द टेक्स्ट, गिव अ सुटेबल टाइटल टू ईच. यानी कि वो कह रहे हैं डिस्क्राइब द शिफ्ट्स इन द नरेशन ऑफ द इवेंट्स, शुरुआत से लेके लास्ट तक आप पूरे जो इवेंट है उन्हें 3 सेक्शन में आपको डिवाइड करना है, पहले सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में और तीसरे सेक्शन में, और सबके लिए एक टाइटल देना है. तो देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे शुरुआत में ही आपका काम आसान कर दिया है, मैंने पहले ही टाइटल दे दिए. पहला सेक्शन का टाइटल हमने दे दिया चीयरफुल जर्नी, क्योंकि उसमें कोई परेशानी नहीं है. दूसरे का टाइटल हमने दे दिया फेसिंग द वेव, जब वो वेव आई थी. और तीसरे का हमने टाइटल दे दिया सर्चिंग द आइलैंड, जब वो एक आइलैंड की तलाश में थे. तो पहला देखो क्या है, द फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब्स अ पीसफुल जर्नी फ्रॉम प्लाईमाउथ. तो पहले सेक्शन में क्या हुआ, उन्होंने बड़े ही पीसफुल तरीके से, बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से अपनी जर्नी शुरुआत करी, 3500 किलोमीटर की यात्रा भी करी केप टाउन तक. द नरेटर इज रिलैक्स्ड एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. और यहाँ पे इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आई, पूरी फैमिली बड़ी खुश थी, नरेटर भी बड़ा कॉन्फिडेंस में था. ये था पार्ट वन. दूसरा पार्ट क्या था, फेसिंग द वेव, जब वो बड़ी वाली लहर आई जिसने वेव वॉकर को काफी हद तक खराब कर दिया. एज द वेदर डेटोरिएटेड, जब वेदर खराब हुआ, दे फेस जाइजेंटिक वेव्स, बड़ी बड़ी लहरों का उन्हें सामना करना पड़ा. दे टुक प्रिकॉशंस टू सेव देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए प्रिकॉशन लिए. क्या क्या प्रिकॉशन लिए थे, उन्होंने लाइफ जैकेट्स पहन ली थी, हर चीज को डबल बांध दिया था. एंड स्ट्रगल्ड विद द डिजास्टर, और जो भी आपदा आई, जो भी मुसीबत आई, उसमें उन्होंने स्ट्रगल किया. लास्ट फेज क्या है, सर्चिंग द आइलैंड, जब नरेटर को ये वाली बात रियलाइज हो जाती है कि यार हमारा जो वेव वॉकर है पूरी जर्नी कंप्लीट नहीं कर सकता, इसकी हालत अब खराब हो चुकी है, तो इससे बढ़िया है कोई आइलैंड मिल जाए तो वहां पे रेस्ट कर लें, वहां रुक जाए और वहां से अपने लिए हेल्प बुलाएं. फाइनली नरेटर रियलाइज दैट वेव वॉकर इज नॉट स्ट्रॉन्गर इनफ. फाइनली नरेटर को ये रियलाइज हो जाता है जो वेव वॉकर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है टू कंप्लीट द एंटायर जर्नी, पूरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए. एंड देन ही ट्राइज टू फाइंड एन आइलैंड, फिर वो एक आइलैंड ढूंढने की कोशिश करता है, विच ही सक्सेसफुली फाइंड्स एंड फील्स रिलैक्स, जो कि उन्हें लेटर ऑन मिल जाता है और उन्हें बड़ा रिलैक्स फील होता है. सो आई होप मैंने ये जो आपको क्वेश्चन बताए हैं आपको बड़े क्लियर हो गए होंगे. अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर तुम मुझे दोगे कॉमेंट सेक्शन में. What was the name of the ship of the author? जो author था उसके ship का नाम क्या था? Amazon, Wave Walker, Wave Ship या Sailor Ship? इसका answer दोगे आप मुझे comment section में. So I hope मेरी explanation आपको अच्छी लगी है. अच्छी लगी है तो यार like कर देना. Channel पे पहली बार आए हैं तो subscribe कर देना. इसी तरह से आपके लिए video लाता रहूँगा. अब मिलता हूँ आपसे एक next episode में next video के साथ. Bye everyone. God bless you.